ऑकलैंड्स कैंपस, यह यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का मेन कैंपस। तो चलिए आज इस अमेजिंग से कैंपस का टूर करते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये रिसेप्शन एरिया, और इसके आगे ही है यह खूबसूरत सा कैंपस एरिया। सो यहाँ सबसे पहले लेफ्ट में आपको दिखेगी ईस्ट बिल्डिंग, तो चलिए पहले इसी के अंदर जाते हैं। सो इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा एक रेस्टोरेंट। हाँ दोस्तों, इस कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है, द एज रेस्टोरेंट, जहाँ आपको हलाल फूड भी मिलेगा। तो चलिए इस रेस्टोरेंट से निकलकर आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे जाते ही राइट में आपको दिखेगा करियर जोन, यहाँ रुक जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगहों में से एक है। सीवी बनाने से लेकर जॉब प्लेसमेंट तक पूरी गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगी। इनफैक्ट ये करियर जोन स्टूडेंट्स के लिए कई सारे इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाती है, जहाँ कई सारे MNCs यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को करियर के लिए गाइडेंस और रिक्रूटमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर। सो इसे निकलकर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाते ही आपको लेफ्ट में स्टारबक्स, एक कैफे और एक स्टोर मिल जाएगी। इसे स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं राइट साइड पे, जहां स्टूडेंट हब वाला एरिया है। ये एरिया कम्प्लीटली स्टूडेंट सपोर्ट के लिए है। आपको एडमिशन से लेके एनरोलमेंट तक हर क्वेरी और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस स्टूडेंट हब में मिल जाएगा। इसके अलावा इस ईस्ट बिल्डिंग में आपको कई सारे क्लासरूम्स भी मिलेंगे, बट हम अभी वापस बाहर जाते हैं। लेट्स गो। ये है वेस्ट बिल्डिंग, जो कि ईस्ट बिल्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट में है, और इस वेस्ट बिल्डिंग के साथ ही एक कॉस्टा भी है। चलो आपको थोड़ा अंदर से इस कॉस्टा को दिखाते हैं। चलिए वेस्ट बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही आपको लेफ्ट में लेक्चर रूम्स और सेमिनार रूम्स का वे मिल जाएगा, और यहाँ नीचे है लॉन्च एरिया, जहाँ सारे स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशंस करते हैं और चिल करते हैं। और ये है स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग, जहाँ स्टूडेंट्स के लिए पंप हाउस वाला एरिया बनाया गया है। पंप हाउस ये स्टूडेंट्स के लिए फन और एक्टिविटी वाला एरिया है, जहाँ स्टूडेंट्स गेम्स खेलते हैं, नए नए लोगों से बात करके नए दोस्त बनाते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। ये है इस कैंपस का पार्टी क्लब एरिया, जहाँ ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड स्टूडेंट्स के लिए पार्टी जरूर होती है, और ये रात में कुछ ऐसे दिखता है। पंप हाउस से बाहर आती ही ये है मीडिया प्रोडक्शन एरिया। इसमें आपको मीडिया क्रिएशन के सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स विद डेडिकेटेड स्टूडियो रूम्स और डिजिटल गेमर्स के लिए गेमिंग रूम्स भी मिल जाएंगे।
ये है UEL की आर्ट एग्जीबिशन बिल्डिंग। चलिए आपको इस आर्ट एग्जीबिशन का छोटा सा टूर करवाते हैं, लेट्स गो। यह है UEL की स्पोर्ट्स डॉक बिल्डिंग, जहां सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं, और इसी बिल्डिंग में एक अमेजिंग सा जिम भी है। ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। यह है डॉकलैंड्स लाइब्रेरी, और यह मेरी इस यूनिवर्सिटी की सबसे फेवरेट प्लेस है, जहाँ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। यह डॉकलैंड्स का मेन लेक्चर थिएटर, जहाँ मेरी लास्ट सेमेस्टर की क्लासेस हुई थी। चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ।
यह है इस यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन बिल्डिंग्स, जहां आपको वैरायटी ऑफ एमिनिटीज, प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इस यूनिवर्सिटी का ब्यूटीफुल सा व्यू मिलेगा, जहां रहने की कॉस्ट आपको पर एकेडमिक ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 पाउंड से लेकर 9,000 पाउंड तक पड़ेगा। एज अ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मुझे यहाँ अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, अलग सोसाइटी और बहुत सी डाइवर्सिटी में पढ़ने और नए दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ बेस्ट मेमोरीज बनाने का मौका मिला। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई होप आपको इस यूनिवर्सिटी का टूर अच्छा लगा होगा। गुड बाय। See you in the next video.